वेल हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी मस्त हूँ। तो आज का कुछ खास तो है नहीं, होगा पता नहीं। तो कल ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और अभी तक चल रही है बारिश। मतलब ये देखो, हमारे पड़ोसी आने वाले हैं कुछ टाइम बाद। घर बन रहा है यहाँ पे किसी का, दिखाती हूँ आपको, ठीक है? ये देखो गाइस, किसी का घर बन रहा है यहाँ पे, हमारे नए नए पड़ोसी आने वाले हैं। 6-7 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे नए पड़ोसी आ जाएंगे, फिर जरा से हम उनके साथ, क्योंकि यहाँ पे है नहीं ना, इधर दूर दूर है अभी घर सबके। बेचारी बुक भी उठ चुकी है यार, पता नहीं क्यों यहाँ पे खड़ी हो रखी दरवाजे पे, और यहाँ पे खड़ी हो रखी एक घंटे से सर रखा हुआ नीचे, और कुछ बोल ही नहीं रही कि मम्मा टोयो कुछ भी, मम्मा खोलो बोल के। मैंने सोचा, मैंने कहा यार देखती हूँ कहीं, पता नहीं कहाँ कई बार गिर जाती बेड से। तो मैं आई तो फटाफट बुक को हाय कर दो, हाय कर दो, हाय 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 कर दो, कर दो बच्ची। तो मैं नहा गई हूँ और बुबू को मैंने नहीं नहलाया आज, कि आज मतलब पहले तो ठंडा था, काफ़ी ठंडा सा लग रहा था। ये क्या हो रहा है, क्या रखा है मुँह में? बुबू के लिए बनाई है छोटा सा पराठा, पता नहीं खाई है नहीं, बना तो ली मैंने, देखते हैं, देखती हूँ बुगू को। ये देखो कहाँ रही है शैतानी करने के लिए। बुगू क्या कर रहे हो आप? चलो मम्मा लेके आ रही है। तो पराठे तो बन चुके हैं और चाय भी रखी है, और एक तरह मेरे हबी बना रहे हैं मैगी विद ऑमलेट। तो हो गया हमारा ब्रेकफास्ट, लंच सब हमारा यही है। और पराठे भी हुआ, तो अब चलते हैं करने के लिए। तो चलो चलो चलो, वो भैया हमेशा ऐसे टाइम पर आते हैं जब मैं सोया होता हूँ, लेकिन क्या करें यार, हमसे ज़्यादा तो वो मेहनत करते हैं। तो कहाँ गए यार भैया? तो भैया मुझे अभी तक आए नहीं, कोई नहीं यहाँ पे बैठ जाते तब तक। पहुंचे भी नहीं, फोन कर रहे हैं कहाँ गई कहाँ गई। चांद चकले इधर से ही है भैया, कट के बीच से। अच्छा, मेरे को भी कुछ ज्यादा पता नहीं है ना। आ चुकी है मेरी ड्रेस, मैं खोल के देखती हूँ क्या है कैसी है। मीशो से मंगाई मैंने। और एक और चीज आई है ऑनलाइन, मैं बुग्गू सोए थे तब तक, ये बुग्गू के लिए मंगाया है। ये आप देख सकते हैं इसमें क्या बना हुआ है। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, एंड बुग्गू है बहुत एक्साइटेड, तो हम देखेंगे बुग्गू के लिए क्या है। ओके मतलब ओते यार, आप लोगों के सामने कुछ नहीं बोलती है, वैसे बहुत बोलती है। ओके मामा, इसकी अनबॉक्सिंग हो गया। अब बुग्गू तो बहुत खुश लग रही है। टिक टिक घोड़ा सुनो, टिक टिक घोड़ा। देखो इसकी अनबॉक्सिंग हो गई है, उसको रात में कई बार टिक टिक घोड़ा करती रहती, तो इस बार मैंने सोचा उसने मार देते। आप देख सकते हो, चल मेरे घड़े चल टिक टिक। इसको अभी फिट करना पड़ेगा हमें ऐसे। जाओ बेटा, आपका ही है, ठीक है, आपका ही सामान है। देखो कैसे चढ़ रही है, आपका ही सामान है। ओके बुगू, मम्मा ने पकड़ना है, गिनना नहीं मेरे को, मेरा सपोर्ट लेके बैठना चाह रही है।
अब बैठ गई बैठ गई. गुड गर्ल गुड गर्ल. ये अब ये ज्वाइंट हो चुका है. अब बुगू को हम इसमें बैठाएंगे. चल मेरे घोले. चल टिक टिक करेगा. इसको रखना है अभी क्या खाने? हटा दो अभी. छत में लेके जाएंगे. छत में लेके जाएंगे जब तक. सो क्यूट यार. सो क्यूट. नहीं यहाँ पे लगेगा. ये एक्चुअली उसके लिए है. हॉर्न बजाएगा वो. सुनो देखो मामा देखो कितना प्यारा टेडी भी है. छोटू जा दो ना दिखाओ दो. यार सो क्यूट. सो क्यूट. सुनो आपका ये लो. यहाँ पे लगेगा ये. वाह. इसके सेल डालने पड़ते हैं जिस जो कि है. ये टिकाएगी नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी. देखो चलो बच्चों बाहर पे खेलेंगे. लेट्स गो. स्टिकर्स अलग आए हैं. ये चिपकाने पड़ेंगे हमें इस पे. टिक टिक घोड़े पे. हाँ जी बच्चू. हाँ जी बच्चू. ये इचका है शनू. उधर लगेगा ये. ठीक है. आपका हॉट का बेल्ट क्या बीच में तो नहीं लगेगी ना? ज्वाइन करना पड़ता है स्टिकर्स के साथ तब जाके पूरा हॉर्स बनता है. सुनो टिक टिक हो रहा. रुको रुको लास्ट रह गया. लास्ट स्टेप हो गया एंड देन बैंड हो जाएगा. फिर आप खेलोगे. रिपीट करती है भाई साहब. रिपीट करती है. रिपीटर एज ए रिपीटर. चलो शुरू कर. लेट्स गो. लेट्स गो. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. हाँ ऐसे खेलो. ये बेल्ट नहीं लगाई अभी ना. टेडी बियर भी है शोनू के पास. वाओ छोटू सा वो देखो छोटा सा. हमने नीचे वाला निकाल दिया इसका. देखते हैं बैठो. ये चलाओ. हाँ ऐसे ही ऐसे ही सीख जाएगी धीरे धीरे. हाँ ऐसे करती रहेगी ना बस. कैसे कट मार रही है बुगू? कैसे कट मार रहे हो आप? ई बाप रे. फेस तो देखो. फेस तो देखो मैडम का फेस. जाओ पापा के पास जाओ. ठीक है हॉर्स में जाओ जाओ. हाँ एक ये भी है इसको ज्वाइन करके. ये तो ये है वो ड्रेस जो मैंने अभी ऑनलाइन मंगाई थी. अच्छी है बट थोड़ी टाइट हो गई है सो मैं इसको एक्सचेंज करवाऊंगी. हे पूरा गिर रही है यार तब जाके उठ रही है. टफ टफ. ये देखो ये देखो. नो बेटा ऐसे नहीं उतरते सुनो. गिर जाओगे आप. तो गाइज आज है मंडे और हम लगभग मतलब मैं तो कभी कभी नहीं जा पाती हूँ भोलेनाथ जी के दर्शन करने मंदिर में. लेकिन ये बुगू के पापा चले जाते हैं डेली तो हम खुद भी दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे भोलेनाथ जी के दर्शन आपको भी कराएंगे. आप भी देखना. ठीक है. कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बोलो मंदिर. हे भगवान. रात हो चुकी है बहुत ज़्यादा. ये देखो और हम अब जा रहे हैं मंदिर. वैसे यही टाइम होता है लेकिन मुझे लग रहा है अब रात जल्दी पड़ने लगी है तो ओके चलते हैं. बोलो हर हर महादेव.
तो हम आ चुके हैं मंदिर, चलो चलो चलो। ये है भोलेनाथ जी का मंदिर। आ जाओ मम्मा, आपके चप्पल निकालेंगे बुगू। जय भोलेनाथ जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय ओ, जय करो बच्चा, चलो बच्चा जय करो, इधर जय करो। जय हनुमान जी, जय हो। जय तो अब हम जा रहे हैं बुग्गू के लिए साइकिल देखने के लिए, क्योंकि वो हॉर्स तो हमने मतलब रिटर्न करवा दिया था। तो हम देख रहे हैं कि वो थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चले। चलो चलते हैं फिर बुग्गू की शॉपिंग करने, सैतानु बच्चे की शॉपिंग करने। चलो जा रहे हैं इधर। हाँ इधर आ रहा हूँ, दुकान लगा था 10 मिनट। बुग्गू अच्छी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है, आ जाओ आ जाओ बुग्गू, आ जाओ, हटा दो सब, हटा दो, आ जाओ। अभी भैया अभी देंगे आपको, अभी देंगे, चलो अभी करना बेटा उसको। तो हमने फाइनल कर लिया ये वाली गाड़ी, और खुशी से तो जो रही है ये खुशी हो रही है। किट्टी कितनी प्यारी लग रही है इसमें। तो जो हमने बुग्गू के लिए कल ली थी गाड़ी ना, उसमें लाइट वहाँ पे शॉप में ना लाइट थोड़ी कम थी, तो वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। तो जब घर लेके आए ना, तो पता क्या ये ना ऐसे लग रही है जैसे, समझ रहे हो ना, पुरानी होगी जैसे, ऐसे लग रही है। तो देखते हैं, थोड़ी ये साइड से निकली भी है, आपको दिखाती हूँ। ये देखो थोड़ा ऐसी भी, जबकि ऑफलाइन ली है, आपने देखा है व्लॉग में। तो इसको देखते हैं यार, रिटर्न करवाते हैं, है ना, फ़ायदा क्या है यार। और जैसे कि हमने देखा, कभी जैसे कोई चीज़ ऑनलाइन सही मिल जाती है और ऑफलाइन महंगी मिलती है, इस टाइप से होता रहता है, चलता रहता है। तो पता है ये हमने जब घर आके देखी तो ये ऑनलाइन सस्ती थी, मतलब 1500 तक की थी, हमने वहाँ पे 2000 की ली है। और ऊपर से चलो मतलब एकदम परफेक्ट होती, अच्छी होती, तो ऐसे कुछ था नहीं कि चलो ठीक है क्या वापस आएंगे। लेकिन पता है थोड़ा पुरानी भी लग रही है और साइड से निकली भी है, तो यार आप लोगों को तो पता ही है, जब पैसे पूरे देने सब कुछ है तो फिर हर कोई सोचता है ना यार कि परफेक्ट ही चीज़ मिले हमें। तो सोच रहे हैं हम, फिर देखते हैं वो अंकल क्या बोलते हैं, वापस करवाते हैं हम। क्या नुकसान क्या फ़ायदे, ओहो। लेकिन इसमें ना एक चीज़ बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है, ओ किट्टी, इतनी प्यारी है ना, इतनी स्वीट है। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तो देखते हैं क्या होता है इस गाड़ी का। तो जब भी आएगी, कुछ भी होगा इंटरेस्टिंग सा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। दिल से थैंक यू जो मेरा व्लॉग देखते हैं, और अच्छी लगती है तो लाइक तो बनता है यार, अगर नहीं लगती है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर मेरे सारे लवली सब्सक्राइबर्स को, थैंक यू।